संगीत सरिता राग एक रूप अनेक। पिछले दिनों आप सुन रहे थे राग यमन के विभिन्न रूपों के बारे में, और आज प्रस्तुत है राग किरवानी। इसके अलग अलग रूपों के बारे में आपको बताएंगे संगीतकार और प्रसिद्ध बांसुरी वादक रघुनाथ सेठ। नमस्कार। राग एक रूप अनेक, इस शीर्षक से संगीत सरिता के पिछले कार्यक्रमों में आपने राग यमन के विभिन्न रूप और इस राग पर आधारित अनेक कार्यक्रम सुने। आज मैं आपको दूसरे राग के विषय में बताने जा रहा हूं। राग का नाम बताने के पूर्व मैं कुछ आपको थोड़ा सा गा करके समझाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान दें, शायद ये आपको कहीं किसी विशेष सभ्यता से जुड़े ये स्वर लगते हैं, और कहीं आपको कुछ आभास मिलता है, वो आप जरूर सोचें। कभी कभी आपको मिडिल ईस्ट का आभास होता होगा इससे। शायद आपने इस किस्म का मिडिल ईस्ट का कुछ संगीत सुना होगा। अब आपको मैं बता दूं कि ये राग किरवानी है, और किरवानी के विषय में मैं आपको थोड़ा बंसरी से भी बजा करके बता देता हूँ। इसमें पहले आप समझ लें कि शुद्ध ऋखभ, कोमल गंधार, शुद्ध मध्यम, पंचम, कोमल धैवत, शुद्ध निषाद, ये स्वर हैं, संपूर्ण राग है। और इसमें आरोही अवरोही एकदम खुली है, यानी पाधा सा जाते हैं, अवरोह में निषाद लगाते हैं अधिकांशतः। ये तो इसका रूप है। तो राग किरवानी की व्यापकता के विषय में बतलाते हुए मैं फिर अपनी वही पुरानी बात दोहराऊंगा कि यही 7 स्वर हैं जिन्हें हम सारे गामा पाधानी के रूप से कहते हैं, और पाश्चात्य लोग दोरे मीफा सोला सी कहते हैं। अब मैं आपको वंशी पर बजाकर राग किरवानी का थोड़ा सा चलन बतलाता हूँ, कृपया सुने। जैसा कि आपने देखा कि स्वर वही हैं, और एक और तो आपको ऐसा लगा जैसे कोई अजान दे रहा हो, मैंने आरंभ में आपको समझाने की कोशिश करी थी, और दूसरी ओर ये वाद्य वादन जो भारतीय पद्धति के हिसाब से है। आप शायद जानते होंगे कि किरवानी राग दक्षिणात्य राग है, परंतु स्वर संगीत तो देश सीमा मानता ही नहीं, इसलिए मैं तो आपको देश से भी बाहर ले चलता हूँ, यानी मिडिल ईस्ट में। वहाँ की एक रचना सुनाता हूँ आपको। मैं ये कहूँगा कि उसमें भी किरवानी के स्वर लगे हुए हैं, आप स्वयं समझ करके देखें।
इन्हीं सात स्वरों का एक अलग ढंग का दूसरा रूप किस प्रकार से निकल करके आता है। अभी आप जो गाना सुन रहे थे उसे ही मैं हारमोनियम पर बजाने की कोशिश करता हूं, उसके कुछ थोड़े से पोर्शंस। यानी आप देखेंगे कि सरगम ग ग र रे रे स स प सारे गम प द प द प म ग र स, वही किरवानी के स्वर फिर आ गए इसमें। यानी स्वरों में कोई अंतर नहीं है, केवल वाद्य भिन्न थे, जिसके कारण अगर हम यही भारतीय वाद्य के ऊपर खेमटा बजा देते तो आपको लगता भारतीय गीत जैसा, लेकिन वाद्य भिन्न है और उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा भिन्न है, इसलिए आपको उसमें एक नयापन और एक अलगाव लगता है, एक अनूठी तस्वीर बनती है, अलग किस्म की। इसी राग में अब आपको मैं एक उपशास्त्रीय संगीत की एक रचना सुनवाता हूँ जिसे लक्ष्मी शंकर ने गाया है। इसकी बंदिश सितारखानी ताल में है, सुरीलापन गाने में, और सपाट ताने, चुटकी तान और कई प्रकार की ताने खूब अच्छे ढंग से ली गई हैं। हारमोनियम की संगत भी काफ़ी कर्णप्रिय है। तो सुनिए लक्ष्मी शंकर की गाई हुई एक रचना। नट नागरा अति सुंदरा, नट नागरा अति सुंदरा, लोचन विशाल आनंद जलाला। नट नागरा अति सुंदरा, लोचन विशाल आनंद जलाला। नट नागरा खट होवे गौवे चरावे, नट खट होवे गौवे चरावे, गोपी जन मन छोड़ो। नट नागरा अति सुंदरा, नट नागरा नट नागरा नट नागरा नट नागरा नट नागरा नट नागरा अति सुंदरा, नट नागरा Yeah।
अति सुंदरा लोचन विशाल नंद के लाला नट नागरा। अब इसी राग पर आधारित मैं आपको नाट्य गीत सुनाता हूं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि नाट्य गीत होने के कारण इसमें कहीं कहीं थोड़ी स्वतंत्रता ली गई है राग से, यानी कुछ और रागों का भी मिश्रण इसमें आ जाता है। परंतु इससे इस मराठी रचना में किरवानी के आधार को नकारा नहीं जा सकता। आप देखेंगे सुनेंगे कि किरवानी एकदम प्रमुख रूप से चलती रहती है। शब्द है सुर सुख खणि तू मला, गायक हैं प्रभाकर कारेकर और जिस नाटक से लिया गया है उसका नाम है विद्याहरण। सुर सुख खणि तू मला, सुर सुख खणि तू मला, सुर सुख खणि तू मला, सगुणा कवि बाला, सगुणा कवि बाला, सगुणा कवि बाला, सुर सुख खणि तू मला। सुर सुख खणि सगुणा कवि बाला, सगुणा कवि बाला, सगुणा कवि बाला, सगुणा कवि बाला, सुर सुख खणि तू मला, सुर सुख खणि तू मला। वदन मणि मदन मणि, वदन मणि मदन मणि, वदन मणि राग किरवानी में आप नाट्य संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे प्रभाकर कारेकर। इसके साथ ही हमारा आज का संगीत सरिता कार्यक्रम समाप्त होता है। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। Gaba da ni sa ni da ba ga ba ga re sa re sa.